पर रखिएगा आनंद आप। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में करीब 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। योगी सरकार ने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन के दौरान करीब 27.5 लाख मजदूरों को इस रकम का फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने यह रकम ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए सीधे जरूरतमंद मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मजदूरों से बातचीत भी की। मुझे प्रसन्नता है कि जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से आतंकित है, उस समय ग्राम्य विकास विभाग और भारतीय स्टेट बैंक मिलकर के प्रदेश के 27,15,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने भी निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। आगामी 3 महीनों तक भारत सरकार उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार भी उन्हें अप्रैल प्रथम सप्ताह में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारत सरकार उन्हें प्रति माह 3 महीने तक 1 किलो दाल भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी।